राष्ट्रपति चुनाव 2022 में बीजेपी उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू सुर्खियों में छा गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नाम नया है या इससे पहले इन्हें लोग जानते नहीं थे। राष्ट्रपति पद के लिए ओडिशा के इस आदिवासी नेता का नाम उस समय भी चला था जब 5 साल पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कार्यकाल पूरा कर इस पद से हटे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय झारखंड के राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू के नाम पर विचार किया था। ओडिशा के मयूरभंज जिले के एक छोटे से गांव के गरीब परिवार में जन्मी द्रौपदी मुर्मू राजनीति में आने से पहले शिक्षिका थी। वे मयूरभंज के रायरंगपुर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में 2000 और 2009 में चुनी गई थी। साल 2000 में जब बीजेपी बीजेडी की साझा सरकार बनी तो द्रौपदी मुर्मू को वाणिज्य व परिवहन विभाग दिया गया। इसके बाद वे मत्स्य पालन व पशुपालन मंत्री बनी। साल 2009 में बीजेपी से गठबंधन टूट जाने और बीजेपी के अकेले चुनाव लड़ने के बावजूद द्रौपदी मुर्मू अपनी सीट बचाने में कामयाब रही थी। विधानसभा पहुंचने से पहले 1997 में मुर्मू रायरंगपुर नगर पंचायत की काउंसिलर बनी थी। इसके बाद वे बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की उपाध्यक्ष चुनी गई। द्रौपदी मुर्मू 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। द्रौपदी मुर्मू का निजी जीवन संघर्षों और दुखों से भरा रहा है। गरीब परिवार में पली बढ़ी द्रौपदी अपने पति व दोनों बेटों को खो चुकी हैं। उनके बीजेपी उम्मीदवार घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी का इजहार करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने गरीबों, पददलितों और हाशिए पर धकेल दिए गए लोगों को सशक्त बनाने में अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। उनके पास प्रशासन का अच्छा अनुभव है और वे राज्यपाल के रूप में बेहतरीन कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं। मुझे विश्वास है कि वे महान राष्ट्रपति साबित होंगी।